बार ये मत कहना कि तुम्हारी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुमने अभी कभी जान ना हो तुम्हारा जुर्म क्या, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुम क्यों कैद में हो? क्योंकि तुम्हारी मिसाके मदीना में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी वजह से एक साल से मैं घर हूँ। मेरे घर का चूल्हा किस सजा के लिए बता? तुम बात करते हो हक की और मैं गरीब महंगी बच्ची बेघर हूँ। मैं एक CSP हूँ। मेरा किरदार क्यों खराब किया गया? मुझे क्यों सियासत की भेंट चढ़ाया गया? रोजे क्यामत मेरा अल्लाह भी आपसे पूछेगा कि एक बच्ची को भेजा था काजी फाइजी साहब। काजी साहब आप मेरे खुदा, मैं आपसे इंसाफ लूंगी वरना मैं आपको काजी जस्टिस नहीं मानूंगी। आप मुझे इंसाफ देंगे? माई क्वालिफिकेशन LLM, मैं वहाँ पे एक LDC थी जहाँ से मेरी सेक्रेटरी, मेरे एस्टेब्लिशमेंट, मेरे इमरान खान, मेरे प्यारे इमरान खान जो कहते थे कि मैंने मिसाके मदीना बनाना है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ ये केस आपकी मिसाके मदीना के, मैं आपकी बहुत मैं आपको बहुत चाहने वाली थी, मैं भी यूथ हूँ, हम यूथ आपके चाहने वाले। ये एक यूथ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की यूथ है। मैं एक अकेली ताहिरा नहीं हूँ। अगर मेरे साथ हैरेसमेंट हुई है, मुझे बगैर वजह जॉब, तो एक लड़की नहीं सारे पाकिस्तान की लड़कियों को बेघर किया है। मैं एक गरीब बाप की बच्ची रही हूँ, सारे पाकिस्तान की गरीब बाप बच्चियों की लड़की मैं ताहिरा बोल रही हूँ। ये मेरे प्यारे चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की मिसाके मदीना का केस है। ये इमरान खान की मिसाके मदीना में हुआ है। जो कुछ भी है वो इन डिटेल मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। मैं चाहती हूँ मेरे केस को टेकअप करें। मुझे 6/12 को, मुझे 25/11/2022 को रिमूवल फ्रॉम विदाउट एनी एलिगेशन फेक इंक्वायरी करके जॉब से निकाल दिया गया। एक साल मैंने कैद काटी, उसके बाद मैं अब बहाल हो गई हूँ बड़ी मुश्किल से। 6/12/2023 को मुझे बाइज्जत FST ने बहाल कर दिया। सर कि इस बच्ची ने कोई जुर्म ही नहीं किया, इसको जॉब दी जाए, दोबारा इसकी इंक्वायरी। मैं अपना वो ऑर्डर लेके राजा नईम, जो मेरे एक मेरे लॉर्डरशिप है, एक जागीरदार है, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं, वो मेरे जो सिक्टी है मैं उनके पास पहुंची। पहले तो उसने मेरी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं की, उसने जो ऑफिसर था उसने कहा इसकी ज्वाइनिंग। बड़ी मुश्किल से 8 दिन में धक्के खा के वो ज्वाइनिंग मैंने एक्सेप्ट करवाई। उसके बाद उसने कहा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने कल कर ली है। मैंने जब मीडिया को बताया, अब मैंने उनसे एक एप्लीकेशन मूव की है सर, चूंकि मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस लाहौर से किया गया। मेरी हरासमेंट सारी लाहौर की है, मेरे हरासर सारे वो हैं, मुझे लाइफ थ्रेट्स है, मैं गरीब घर की बच्ची हूँ। मैंने 6 साल पहले अपने ऑफिसर से कहा था कि मुझे हरासमेंट हो गया। फिर 2019 में एप्लीकेशन दी, चूंकि वो मिसाके में दी ना। मेरे इमरान खान ये मत कहना कि तुम्हारी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुमने अभी कभी जान ना हो तुम्हारा जुर्म क्या, तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा जुर्म क्या है। तुम क्यों कैद में हो? क्योंकि तुम्हारी मिसाके मदीना में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी वजह से एक साल से मैं घर हूँ। मेरे घर का चूल्हा किस सजा के लिए बता? तुम बात करते हो हक की और मैं गरीब महंगी बच्ची बेघर हूँ। अब सर जब मैं आ गई, मैंने नहीं कहा मेरे लाहौर में हरासमेंट है, मेरी वहाँ पे मेरे हरासर सारे वहाँ हैं, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आप पोस्टिंग, चूँकि मैं दोबारा से उसने CFST ने ऑर्डर पास किया कि आपने विदिन 4 मंथ इंक्वायरी दोबारा करनी है। मैं सर अपनी फेयर तरीके से पहले भी जॉब की अपडेट करना चाहती हूँ। अब मैंने लॉ सेक्रेटरी से कहा कि आपसे हम पर रिक्वेस्ट है कि वो 4 मंथ जो आपने मेरी इंक्वायरी करनी है, चूंकि इस्लामाबाद में उन्हें एडिशनल सेक्रेटरीज ने करनी है, डिप्टी सेक्रेटरीज ने करनी है, आप ये सारे ऑफिसर्स मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन S ब्लॉक सेक्रेटरी जहाँ पे होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जहाँ पे कायम रहे होते हैं, मुझे वहाँ रख ले। 4 मंथ में दूध का दूध पानी का पानी, और आपको पता चल जाएगा मैं कब आती हूँ, मैं कब जाती हूँ, क्या जुर्म करती हूँ। दूध का दूध पानी हो जाएगा, इंक्वायरी भी हो जाएगा खुद। अब मैंने अपने सेक्रेटरी को ये एप्लीकेशन कल की डेट में एडिशनल सेक्रेटरी के नाम अवैस डुमान कुंदिया, उनको मैंने कल ये DR ब्रांच में करवा दिया, रिसीविंग भी ले लिया। फिर मैंने उनको बाय नेम पोस्ट भी करवा दिया, ठीक है। साथ ही सेक्रेटरी ने मेरे ऑर्डर लाहौर भिजवा दिए, और साथ ही पुलिस को ये कह दिया कि इस लड़की की एंट्री बंद कर दी जाए। लेडी जब जाती हो, लेडी पुलिस उसकी बुलवा लेते हैं, मुझे वहाँ पे उनको कहते हैं कि इसको अरेस्ट कर लो, ले जाओ इसको यहाँ ना। और मुझे कल उन्होंने वहाँ पे एक इंटीरियर के सेक्रेटरी थे, उसने कहा बेटा 10 बजे आ जाना, आपको हम ऑर्डर दे देंगे। आज जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वो ऑर्डर नहीं दिया। मेरा सर मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद ये कि सेक्रेटरी मुझे अपनी आंखों के सामने, 6 साल में मैं एक CSP हूँ, मेरा किरदार क्यों खराब किया गया, मुझे क्यों सियासत की भेंट चढ़ाया गया? मैंने तो पढ़ू अल्लाह ताला ने मुझसे पता नहीं कौन से काम लेने थे जो मुझे सर्विस मिला है। मुझे जैसे कि आपको गंदा किया, लेकिन मेरे अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी, आप इज्जत वाले हैं। मेरा नाम भी ताहिरा परवीन है, हजरत खतीजा का निकनेम है, पकीजा पाक साफ खतून, तो नामों का असर जरूर होता है, मैं भी पकीजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बात कहने की ये है
कि अब मैं उनसे लाहौर कहा है कि सर मुझे लाइफ थ्रेट है, पहले कहा था हरेसमेंट होती है वो हो गई, वो नहीं उसको कहा झूठी है झूठी, आपका जिंदगी खतरे में, लाइफ थ्रेट से अंडर ऑब्जर्वेशन रख ले, एस ब्लॉक में अपने सामने अटैचमेंट पे रख ले, मेरी तनख्वाह शुरू करवा, अब फिर मुझे लाहौर मेरी एंट्री बंद कर दिया, अब मेरे खिलाफ मेमोरेंडम पता नहीं। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर कजी फाजी साहब, देखिए आप एक साल के लिए आते हैं, बादशाही आजमाइश होती है, आप चाहे मेरा सलम कलम कर दे, आप कानूनदान है, आप खुदा है मेरे में, खुदा ने भेजा है, मेरे वलियों ने भेजा है, मेरा सिर्फ ये कि आप सिर्फ इतना बता दें कि जिस पोस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ राजा नईम अकबर सर्विस कर रहा है, क्या वो उसकी पोस्ट है, वो 22वें स्केल लेके बैठा है, जबकि वो सीटी एक सीएसपी और ब्यूरोक्रेट की है। सिर्फ इतना कहने का मकसद ये है कि जिस मुल्ला के पीछे हम नमाज पढ़े, आया वो मुल्ला मौलवी है या नहीं है, सिर्फ ये पूछने का मकसद है, बाकी तो मेरे साथ जो हो रहा है हो रहा है। अगर मुल्ला ही मौलवी नहीं है तो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की हमारी नमाज नहीं है। सवाल सिर्फ ये है मेरे अपने पूरे पाकिस्तान के कानून दानों से कि राजा नईम अकबर लॉ सेक्रेटरी मेरे अहमद इरफान वजीर कानून से, मेरे पाकिस्तान के वजीर आजम से, काकड़ साहब जो हैं मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ठीक है, कि सिर्फ जो इस सीट पे बंदा बैठा हुआ है आया वो इस सीट पर अहल है या नहीं, क्योंकि वो अगर अहल लेंगे तो वो जो इतने ऑर्डर पास कर रहा है वो फेक है, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो उस पोस्ट का बंदा है वो उस पर ऑर्डर करे, अगर मौलवी वो नहीं है तो नमाजें हमारी नहीं हो रही, इसको आपने ज़रूर करना है सर, आपने मेरे केस को ज़रूर टेकअप करना है, एक साल की आपकी गवर्नमेंट है, अदरवाइज रोजे क्यामत मेरा अल्लाह भी आपसे पूछेगा कि एक बच्ची को भेजा था काजी फाइजी साहब, कहा था तेरा खुदा बैठे और इंसाफ, जो तुमने उसको इंसाफ नहीं दिया, आपने मुझे इंसाफ देना है, मैंने आपसे इंसाफ लेना है, क्योंकि ये जो आपको अल्लाह ने ओहदा दिया है ना, ये मेरे रब की इनायत है और मैं नहीं आई, मेरा रब लेके आया, मुझे घसीड़ कर कहते हैं चा मैंने तेरे लिए काजी फाइजी साहब को बिठा दिए, जो इंसाफ करेगा बुजुर्गी करेगा, आपने मेरी अकेली सौरत की आवाज बंद नहीं करनी, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान के होते थे। मुझे ये बताइएगा किसी कोर्ट से आपने बाकायदा रابطہ किया, माइक के सामने किसी कोर्ट से बाकायदा आपने रابطہ किया है, कहीं अप्लाई किया है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, जी जी अंबर्स पर्सन में मेरा केस चल रहा है, वो केस उन्होंने बंद कर दिया, वो भी मेरे इमरान खान साहब, आप कहते हैं ना मसाके मदीना, कभी बैठना कभी मुलाकात करना, तुम्हें डेफिनेशन बताओगे मसाके और तुम बात करते हो हुकूमतों की, हजर उमर फारूक का दौरे हुकूमत का एक कुत्ता प्यासा मर जाएगा उसका, और तुम हुकूमतें कहते हो, तुम कहते हो मुर्शद वली, वली की डेफिनेशन बताओगे, वलियों के सामने लड़के नंगी नहीं नाचती, अगर वली बैठा होता तो सर कजता है वो मुश्किल कुशा मुश्किलें हल करता है, मैं आजम नजीर ताड़ड़ के दरवाजे पे गई थी मुश्किल कुशा के, उसने मुझे नौकरी से बहाल सर पे हाथ रखे बात गया, और तुम बात करते हो बादशाहियों की, और तुम देखो तो सही कितने लोग तो रहे दोबारे दोरे हुकूमत में भूखे, मैं हूं तुम्हारे तो मुझसे करो सवाल, मैं तेरे एक तुम्हारे ही बंदों ने मुझे जाड़ा इश्तियाके का एडिशनल जो है इमरान खान साहब आपसे आपसे बात कर रहे हो, आप जहां भी हैं जेल में, आपने मुझे जरूर सुनना है, एडिशनल आपका ही पीटीआई का बंदा था फरोग नसीम का खास बंदा जो लॉ मिनिस्टर रह चुके, उसने मेरी फेक एप्लीकेशन दी कि ये लड़की जॉब पे नहीं आती, जबकि मेरे पास आर रिकॉर्ड है, मैंने एफएससी किया, जरिश फातमा आपकी ही थी इमरान खान साहिबा पीटीआई की, उसका उसने मेरे ऊपर एलिगेशन आती नहीं हूँ, काशी बशीर आपका ही था, सारे बंदे आपके दौरे हुकूमत में ही मैंने काम किया, आपको बड़ा चाहती थी 12 बजे तक ईमानदारी से पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी की थी। बहाल भी हो गई हैं वापस हाँ जी नौकरी बिल बिल्कुल अभी अभी आपका मसला क्या है अभी सर मुझे पोस्ट नहीं दे रहे मुझे दोबारा लाहौर जहाँ मेरी हरासमेंट हुई है जहाँ अंबर्स पर्सन में मेरा केस ठप कर दिया गया मुझे वहाँ दोबारा भेज रहे हैं जबकि वहाँ वो मेरे लिए मौत है मैं इनको बताती हूँ कि मुझे वहाँ सारे हरास रहे मुझे मौत लाइफ थ्रेट्स है मैं खत्म हो जाऊंगी मर जाऊंगी मैं गरीब गांव की बेटी हूँ किस्सा तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रख ले कैमरे लगे हुए एस ब्लॉक में सेक्रेटरी अपने पास रखे सेक्रेटरी हर रोज कहता है मैं झूठी हूँ मैं नौकरी पर 4 महीने अपने पास रख के नौकरी करवाए कैमरों के अंदर दूध का दूध पानी क्योंकि 4 महीने मेरी इंक्वायरी मेरी ये इल्तजा है कि 4 माह के लिए सेक्रेटरी मुझे एस ब्लॉक में अपने सामने रखे ये मेरी चीफ जस्टिस साहब आपने ये करवाना है वरना मैं आपको चीफ जस्टिस नहीं मानूंगी मैं सड़कों पे बैठूंगी मैं कहूंगी मेरे हिस्सा मेरे खुदा ने मुझे इंसाफ नहीं दिया मेरा एक मुतालबा है
कि आपने मुझे सेक्रेटरी के सामने ड्यूटी करवाने एस ब्लॉक में कैमरों में अंडर ऑब्जर्वेशन, वो हर रोज मुझे सस्पेंड करवाता है, मेरे ट्रांसफर करवाता है, मुझे कहता है तुम झूठे हो, वहां पे मेरे सारे ऑफिसर्स हैं वो सब मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि मैं नौकरी, एक बार दूसरी आपने ये चेक करना है कि जो लॉ सेक्रेटरी में सेक्रेटरी बैठा है आया वो उस सीट का अहल है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर जो अहल है उसको बैठाए, हम उस मुल्ला के पीछे नमाज पढ़ेंगे जो वाकई सही मुल्ला है, अब हम झूठे मुल्ला के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। काजी साहब आप मेरे खुदा, मैं आपसे इंसाफ लूंगी वरना मैं आपको काजी जस्टिस नहीं मानूंगी, आप मुझे इंसाफ देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।